हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उमेश मैथ्स क्लासेस। और आज का चैप्टर है हमारा क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिख रही हूँ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें ये स्ट्रिंग हो गई जिसमें हमारे एक्स 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 जो भी होंगे वो होंगे वेरिएबल्स। और जो ये कॉफिशेंट्स होते हैं, कॉफिशेंट इन्हें बोलते हैं जो आगे कॉन्स्टेंट होता है, मतलब एक्स क्यूब का कॉफिशेंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 5 और एक्स का कॉफिशेंट यहाँ पे क्या है 7 है। तो जो ये कॉफिशेंट होते हैं यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म्स जो होते हैं इनको बोलते हैं हम कॉफिशेंट्स। और टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं जो प्लस माइनस जिनको अलग अलग कर रहा होता है, यानी कि ये एक्स क्यूब टर्म है, 5x स्क्वायर टर्म है और 7x टर्म है। यानी कि जो कॉन्स्टेंट्स होंगे आगे इनके वेरिएबल्स के वो होंगे हमारे कॉफिशियंट्स। x होता है यहाँ पे वेरिएबल एंड टर्म्स होती हैं अलग अलग, अलग अलग जो ये टर्म्स हैं प्लस माइनस इन्हें अलग अलग कर रहे हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं टर्म्स। यानी कि हम कह दें अगर एक ये सपोज 5x स्क्वायर, तो यानी कि 5x स्क्वायर में x है हमारा वेरिएबल, 5 होगा हमारा कोएफिशिएंट, और जो ये पावर होती है इन्हें हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्लियर है? अब इनके नेसेसरी कंडीशन भी होती है पावर की। पावर की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है पॉलिनोमियल होने के लिए, सबसे पहले कोएफिशिएंट की बता देती हूँ मैं। कोएफिशिएंट की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, कोफिशियंट कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर रैशनल रैशनल कुछ भी हो सकता है, यानी कि एनी रियल नंबर हो सकता है वो। एक्स तो वेरिएबल होता ही है। एंड जो ये पावर होती है ये होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? होल नंबर मतलब ये नहीं होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अंडर रूट नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्म में आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, नो पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की नेसेसरी कंडीशन है कोफिशिएंट कोई रियल नंबर हो सकता है, एक्स तो वेरिएबल होता है, पावर शुड बी अ होल नंबर। ठीक है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की वो होती है उस पॉलिनोमियल की जो हाइएस्ट पावर होती है, यानी कि हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन सम पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। मतलब जो नए क्वेश्चन पढ़े इसमें जो हमारा ये पॉलिनोमियल था इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या थी 3, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री थी 3। ये जो लिया 5x स्क्वायर इसमें हाईएस्ट क्या है स्क्वायर, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई 2। तो डिग्री इसके हिसाब से यानी कि डिग्री कितनी भी हो सकती है, 1 से स्टार्ट होकर कितनी भी हो सकती है। तो अगर हम डिग्री 1 का एग्जांपल ले लेते हैं, डिग्री 1 मतलब हाईएस्ट पावर x की 1। तो फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इसमें हाईएस्ट पावर x की 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है? नेक्स्ट केस हो सकता है डिग्री 2 का। डिग्री 2 फॉर एग्जांपल ये ले लेते हैं हम, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यानी कि डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल, लेकिन ये होगा कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसे। ऐसे ही डिग्री 3 का भी हो सकता है। डिग्री 3 मतलब सपोज एग्जांपल ये है, इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यानी कि अभी हमने हमने ये देखा है कि जो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल होते हैं ना बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 के पॉलिनोमियल बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो होती है जो हमारा ये पॉलिनोमियल है x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल क्या हो जाए इक्वल टू जीरो हो जाए, उस x की वैल्यू को बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब
जिस वैल्यू पे एक्स की पूरा पॉलीनोमियल में जीरो हो जाए, उस एक्स की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो द पॉलीनोमियल। यानी कि हम लिख लेते हैं, अ जीरो ऑफ अ पॉलीनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स की, वो वैल्यू फॉर विच, जिसके लिए जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन हम एक्स प्लस फाइव वाली ही ले रहे हैं, हमें देखना है कि एक्स की किस वैल्यू पे पॉलिनोमियल जीरो है, तो उसके इक्वल टू जीरो रखेंगे तो एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस फाइव हो जाएगी, माइनस का फाइव हो जाएगा। यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस फाइव के लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो। तो दिस इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के लिए पढ़ते हैं, हमने एक एग्जांपल ले लिया है, y इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस फोर। यानी कि इसका जीरो हमें फाइंड करना है ग्राफ की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी क्लास में पढ़ा था, हम इसकी टेबल बना लेते हैं। एक्स वाई, एक बार एक्स को जीरो पुट करेंगे, एक्स को जीरो पुट करोगे तो देखो, जब एक्स को जीरो पुट करा तब वाई क्या आएगा, जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर। एक बार वाई को जीरो ले लो, वाई को जीरो लेते ही क्या हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यानी कि टू एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू। एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स इज इक्वल्स टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन तो टू वन जो टू माइनस फोर, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ गई, टू माइनस फोर यानी कि माइनस टू। एक्स वन लिया तो वाई क्या आ गया हमारा, माइनस टू। एक पॉइंट और ले लेते हैं, वेन एक्स इज माइनस वन, माइनस वन ही ले लेते हैं, एक्स को हम सपोज थ्री थ्री ले लेते हैं, तो थ्री टू जा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू इंटू थ्री माइनस फोर यानी कि टू थ्री सिक्स माइनस फोर यानी कि टू। जब एक्स की थ्री ली तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, टू। अब इसे ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं, मैंने ग्राफ नहीं लिया है लेकिन आप इसे ग्राफ में ड्रॉ कर लेना। देखो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे एक्स जीरो, एक्स जीरो, एक्स जीरो कहाँ होगा, इस लाइन पे होगा एक्स जीरो, जहाँ वाई वाई लाइन पे एक्स जीरो होता है, वर्टिकल लाइन पर एक्स लाइन जो हॉरिजॉन्टल होती है उस पर हमारा वाई ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे हमें पॉइंट कहीं उठ नहीं रहा, यानी कि एक्स की वैल्यू है वन टू थ्री फोर, वाई की वैल्यू कुछ भी नहीं है इस लाइन पे, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एक्स जीरो पे वाई क्या है, माइनस फोर, यानी कि ये पॉइंट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा एक्स वेन टू हो तब वाई जीरो, यानी कि अब वाई जीरो तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है एक्स वन देन वाई इज माइनस टू, यानी कि एक्स वन देन वाई इज माइनस टू, यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। एक्स थ्री हो, थ्री हो तो वाई है टू टू, यानी कि इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग देखो ये पॉइंट मिलेगा हमें। यानी कि कैसी लाइन मिल रही है हमें, ये देखो आप स्ट्रेट लाइन। तो यानी कि जो ये पॉइंट हमें गिवन था, अच्छा ये कौन कौन से पॉइंट थे, व्हेन एक्स इज थ्री एंड वाई इज टू, ये पॉइंट था हमारा वन एंड सॉरी टू एंड जीरो, ये पॉइंट था वन एंड माइनस टू, और ये पॉइंट था हमारा जीरो एंड माइनस फोर। अब देखो आप, ये हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है, तो हमें जीरोस किसके देखने हैं, इस इक्वेशन के, यानी कि देन हमें ये देखना है वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है, देखो वो सॉरी वाई की वैल्यू कहाँ पे जीरो हो रही है। एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे, यानी कि हम जब वाई इक्वल टू रख रहे हैं तो यानी कि एक्स एक्सिस पे चेक करना है, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है ऊपर, यहाँ पे, यानी कि जीरो कितने मिल गए इसके, जीरो ऑफ दैट पॉलीनोमियल हो गया हमारा टू। एक्स की वैल्यू टू थी ना, जब वाई जीरो था, तो जहाँ पे इस ग्राफ को कट करा यानी कि एक जगह कट करा है, तो लीनियर इक्वेशन का कितने जीरो हो सकते हैं, एटमोस्ट वन जीरो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक ही जीरो हो सकता है। ठीक है, कुछ और ग्राफ देख लेते हैं हम। अब देखते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, हमें एग्जांपल ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। वही इसके लिए दोबारा से पॉइंट्स हम ढूंढ लेते हैं, एक्स वाई। देखो जब हम एक्स को जीरो पुट करेंगे, एक्स को जीरो पुट करेंगे तो वाई क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस फोर।
या रफ में करके देख लेना। देन एक्स इज वन, जब एक्स को वन पुट करोगे तो यहाँ से वाई की कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि आ जाएगी -6। सॉल्व कर लेना। वेन एक्स इज -1, जब -1 लेंगे तो वन क्या हो जाएगा, तो -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -1। आप जब से सॉल्व करोगे तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम एक पॉइंट ले लेंगे, -2 ले लेते हैं। एक्स इज -2 तो वाई क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर -3 -2 -4। ये सॉल्व करके वैल्यू आएगी इसकी 6, प्लस का 4 हो जाएगा, ये प्लस का 6 है ना, 10 माइनस 2 करके 6 आ जाएगा, 6 हो गया है। एक वैल्यू लेते हैं, एक्स इज 4, मैंने एक्स इज 4 तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0। एक ले लेते हैं, मैंने एक्स इज 5 ले लेते हैं, जब उसे सॉल्व करोगे पुट करोगे वैल्यू को तो वाई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। मैंने एक्स इज 0, वाई इज -4, तो कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला। मैंने एक्स इज 1, वाई इज -6, यानी कि ये पॉइंट हो गया। नाउ एक्स इज -1, यानी कि एक्स -1 यहाँ होगा, एक्स -1 पर वाई क्या है, 0, तो यही रह गया, कहीं नहीं गया। वेन एक्स इज -2, सॉरी ये माइनस के पॉइंट थे ना, वेन एक्स इज -2 देन वाई इज 6, तो कहाँ जाएगा ये, यहाँ पे जाएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट वेन एक्स इज 4, वाई इज 0, नहीं आ रहा ऊपर कहीं पे भी, यानी कि ये पॉइंट हो गया। वेन एक्स इज 5, वाई इज 6, तो ये वाला पॉइंट। ठीक है, यानी कि जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो देखो कुछ इस तरह से आएगा ये। अब कुछ ऐसा, तो ये हमारा हो गया इसका ग्राफ। अब हम देखेंगे ये एक्स एक्सिस पे, दोबारा भाई देखना एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है इस वैल्यू पे। तो देखो एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक इधर और एक इधर, यानी कि ये 2 0 मिल गए, 4 एंड 0 ये वैल्यू थी, यहाँ पे क्या थी, -1 एंड 0। तो यानी कि इसके 0s क्या हो गए, 2 -1 एंड 4, ये 2 इसके क्या मिल गए हमें, 0। यानी कि इसके कितने एटमोस्ट 2 0 होते हैं, क्वाड्रेटिक में एटमोस्ट 2 0 मिलेंगे, यानी कि जितनी डिग्री होगी हाईएस्ट उतने मिलेंगे। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बुक से ज़रा एक बार। जैसे केसेस दिए हैं, मान लो एक केस ऐसा हो सकता है, ये केस तो वही होगा जो अभी हमने किया कि ऐसे 2 पॉइंट मिल रहे हैं, सॉरी ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं ना। एक केस ये भी हो सकता था जब इस तरह से डाउनवर्ड ग्राफ बनता है तो पॉजिटिव 2 वैल्यू मिल गई एक्स की, वो डिपेंड करेगा कैसी इक्वेशन गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन पे। एक केस ये हो सकता है जब कुछ इस तरह का ग्राफ, मैंने इस तरह का ग्राफ बन रहा था, तो वो एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है कि इस केस में कितने 0 मिलेंगे, केवल 1। अगर इस तरह ग्राफ मिलता है तो भी कितने 0 मिल रहे हैं, 1। ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है कुछ इस तरह सा, एक सेकेंड पीछे कर लेते हैं। हाँ, ऐसा भी तो ग्राफ बन सकता है जब ये वैल्यू मिले, यानी कि इसकी वैल्यू ही ना मिले, तो उस केस में क्या होंगे, 9 0s। ऐसे ये, यानी कि कितने मैक्सिमम 2 0s मिल सकते हैं इसमें हमें, लेकिन 1 भी मिल सकता है और 0 भी मिल सकते हैं। तो ये याद रखना है कि एटमोस्ट 2 0 होंगे, फिर 1 0 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही मिलेंगे। अब हम बात करते हैं क्यूबिक। हाँ, तो नेक्स्ट से बात करते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन की। क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू -4 x। इसकी टेबल बना ली, जैसे अभी तक 2 क्वेश्चन बना दिया, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार हमने एक्स को -2 लिया तो सॉल्व करके वाई 0 मिल गया, ऐसे -1 लिया तो सॉल्व करके 3 मिल गया, यानी कि एक्स की वैल्यू हर बार पुट करना इस इक्वेशन में, आपको वाई की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये कुछ वैल्यूज आई है, उनको हम प्लॉट कर लेते हैं। देन एक्स इज -2, एक्स इज -2 यानी कि ये पॉइंट हो गया, वाई इज 0, ये पॉइंट हो गया। देन एक्स इज -1, एक्स इज -1 एंड वाई इज 3, 1 2 3, इसके इसके सामने और इसके सामने देखते हैं। एक्स इज 0, वाई 0, यानी कि दोनों ही 0 है, ओरिजिन पॉइंट हो गया। देन एक्स इज 1, वाई इज -3, तो ये पॉइंट हो गया। देन एक्स इज 2, वाई 0, 0 यानी कि वाई ऊपर गया ही नहीं, गई तो यहीं रह गया ये वैल्यू। अब आप इसको जब मिलाओगे तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है। देखो ये इस पे मिला, फिर ये ओरिजिन पे आ गया वापस, फिर ये नीचे गया और ये ऊपर उठ के गया। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ मिला। तो देखो कहाँ कहाँ कट करा, 3 जगह पे कट करा, यानी कि इसके एटमोस्ट कितनी 0 हो गई, इसकी 3 0 हो गई, एक तो -2 0 मिल गई, एक 0 मिल गई और एक ये 2, ये 3 3 0s हो गई इसकी। तो यानी कि क्यूबिक इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती हैं, एटमोस्ट जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हमें ऐसे कई सारे केसेस, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ के लिए बताया था कि कितने एटमोस्ट ग्राफ हो सकते हैं, 0s हो सकती हैं, वहाँ पर 2 थी, लेकिन ऐसे केस भी हमने देखे यहाँ पर 1 0 भी मिली और 2 0 0 भी मिली है और 0 0 भी मिली है। ऐसे क्यूबिक में भी हम बहुत सारे केस मिलेंगे, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 0 होंगे, लेकिन
कैन बी, टू भी हो सकती है, वन भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, मतलब लेकिन मैक्सिमम कितनी होंगी, थ्री। इसके भी केसेस एक बार बुक से देख लेते हैं। अगर कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता है तो देखो, एक जगह कट कर रहा है तो यानी कि 1 0, अगर ऐसा ग्राफ मिलता है तो जो टू जगह कट किया यानी कि इस केस में 2 0s। कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है जहाँ एक्स को एक 1 प्लेस पर कट किया तो 1 0 हो गई, और अगर ऐसा ग्राफ मिलता है जहाँ एक ही जगह कट नहीं करा यानी कि 0 0s। तो ये था इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे एंड 2.2 डिस्कस करेंगे अपनी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पॉलीनोमियल्स का। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।